है तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है अगर एम मिड पॉइंट जब भी ऐसी कोई भी लाइन ना साथ के साथ दो के क्या मतलब हुआ अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का तो मतलब ए एम इक्वल है एम बी क्लियर है ना ये चीज समझ में आती है अगर ये मिड पॉइंट है दो इक्वल पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड किया है लाइन को आगे क्या बोल रखे है एंड प्रोड्यूस टू अट सच दै डी एम इज इक्वल टू सी एम अब ये जो डी एम है दिस इज इक्वल टू सी एम ये क्वेश्चन में गिवन है हमें नाइंटी बी अब ये डी को बी से ज्वाइन कर दिया बेसिकली फिगर कैसे बनी है वो बताया है शो दैट अब आपको क्या प्रूव करना है ट्राइंगल एम सी एम सी मतलब ये वाला जो यहाँ पे ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की बात हो रही है एंड ट्राइंगल ए एम डी ए सॉरी ए सॉरी बी एम डी मतलब इस ट्राइंगल तो इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है अब दो चीजें तो यहाँ पहले ही क्लियरली गिवन है कि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है एंड एक हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्यों इक्वल होंगे क्योंकि जी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है सो वील स्टार्ट विद इन ट्राइंगल एम सी एंड ट्राएंगल बी एम डी क्या क्या चीजें हैं देखो अगर हम ए एम सी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एम सी इक्वल है डी एम के वाई बिकॉज ये हमें गिवन है नेक्स्ट हमारे पास है ए एम इक्वल है एम सी के सो ए एम इज इक्वल टू एम बी ये भी हमें गिवन है इसके लिए लेकिन हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज M इज दिड पॉइंट ऑफ एबी क्योंकि वो ए बी का मिड पॉइंट है इसीलिए ये दोनों इक्वल है एंड एंगल टू हमारा इक्वल है एंगल वन के वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ओके जी तीन चीजें हमें मिल गई दो साइड मिली है एक इंक्लूडेड एंगल मिला है ंगल ए एम सी एस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाई एस एस कॉन्ग्रेंट सी ठीक है जी तो फर्स्ट पार्ट में दो तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था वो हमने कर दिया नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं डी बी सी इज अ राइट एंगल अब हमें दिखाना है डी बी सी ये हमारा राइट एंगल है अब इसके इसमें क्या करना है ध्यान से क्वेश्चन को समझना देखो अब अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट है और जब हमने ये प्रूफ किया तो उसमें हमने लिया था कि ये साइड इस साइड के इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है सो दैट मीन्स अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से देखो तो इस ट्राइंगल को अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है दैट मीन्स यहां से मुझे मिल जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हैं कैसे पहले तो नाम देते हैं एंगल थ्री और एंगल फोर अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करोगे तो एंगल थ्री और एंगल फोर हमारे क्या है? हैं कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं सो इसको हम स्टार्ट करेंगे एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर By सी पार्ट वन में जो हम प्रूव करके आए हैं कि दोनों ट्रा एंगल कॉन्ग्रेंट है ये समझ में आ रहा है एक कंफ्यूजन जो यहाँ पे हो सकती है वो ये है उसको हटाती हूं मैं अभी के लिए कि आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों नहीं है उसका रीजन क्या है अभी जब हमने फर्स्ट पार्ट किया तो हमने देखा ये साइड जो है इस साइड के इक्वल थी और ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है मतलब अगर इस ट्रायंगल को उठाओगे तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा कि ये साइड इस साइड के ऊपर आए समझ में आया इसको उठा के ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है हाँ अगर ये इसके इक्वल होती तब आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल होते लेकिन इस केस में ये साइड इस साइड के इक्वल है तो दैट्स तो वाई तो ये हमारा ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ठीक है इसलिए मैं कहती हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान से समझना ठीक है जी सो so, दोबारा से लिख लेते हैं ये था एंगल थ्री और ये था एंगल फोर आई होप दिस इज क्लियर अब मैंने यहां पे बोल दिया एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल है अब अगर एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल है सो दैट मीन्स के अगर हम ध्यान से देखें सो आई कैन से ऑल्सो एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब देखो अगर ये जो हमारा डीबी और एसी है और डीसी को अगर मैं ट्रांसवर्सल लेती हूँ तो क्या ये और ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हुए बिल्कुल हुए और हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है सो so देर अगर ऐसा केस है तो दैट मींस ये जो हमारी बी डी है मींस ये पैरेलल है ए सी के मतलब इसके पैरेलल थोड़ा सा इसमें नया कंसेप्ट ऐड हुआ है ठीक है ना So, यहां से हमने प्रूव करा कि ये दोनों पैरल है अब इसके पैरल होने से हमें क्या फायदा होगा इसके पैरल होने से हमें ये फायदा होगा कि नाओ इफ बी डी एज पैरल टू ए सी एंड बी सी एज ट्रांसवर्सल अभी जो मैंने लिखा है समझा देती हूं डीबी बी ए सी पैरल है और बी सी को अगर मैं ट्रांसवर्सल लू सो दैट स ये एंगल और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए है कि नहीं मतलब एंगल बी और एंगल सी इसको ठीक से लिखते हैं एंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अब इससे हमें क्या फायदा होगा अगर वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है अगर वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री। सो वी कैन से एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के ठीक है ना बिकॉज एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रायंगल आर क्या होते हैं सॉरी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री अब इस केस में अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन में मैं बताया था ना क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज जरूर होता है एंगल सी हमें 90 डिग्री गिवन है दैट मीन्स एंगल डी बी सी प्लस नाइन्टी डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री तो एंगल डी इक्वल हो जाएगा वन एटी माइनस नाइनटी विच मीन एंगल डी बी सी हमारा हो जाएगा नाइंटी डिग्री और यही हमें प्रूफ करना था कि ये राइट एंगल है क्लियर है थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूंगी बड़ा ही सिंपल सा होता कोई भी कर लेगा अब थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगी है लेकिन कोई ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो देखते ही क्लिक हो जाता है कि इस क्वेश्चन में ये करना है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे थर्ड पार्ट जो है हमारा इसमें है ट्राइंगल डी बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है एसी बी के कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है लेट सी डी बी सी डी बी सी इस ट्राइंगल की बात हो रही है एंड अच्छे से मार्क कर देते हैं इसको और कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है ए सी बी तो ए सी बी

जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना आप भी ऐसे कर लोगे जैसी ट्राइंगल्स दिखेंगे क्या क्या चीजें हैं सब पता चल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं क्लियर हो जाएगा अच्छे से ये सब हटा देते हैं हां जी सो so, कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी एक, -एक करके देखते हैं सबसे पहले तो बी सी कॉमन है यही लिख लेते हैं बी सी इक्वल्स टू बी सी दिस इज कॉमन ओके okay, जी पहली चीज मिल गई दूसरा अभी हमने प्रूफ किया है कि जी एंगल बी इक्वल है एंगल सी के दोनों ही 90 डिग्री है सो तो यहाँ पे लिख देंगे ये चीज ये अभी हम पिछले पार्ट में प्रूफ करके आए हैं ओके okay, दो चीजें हो गई एंड ये और ये इक्वल होगा सो लिखेंगे कैसे कि डी बी इक्वल है ए सी के बाय सी पी सी टी सी पी सी टी कैसे यहाँ पे मेंशन भी कर देना बिकॉज ट्रायंगल डी एम बी कॉन्ग्रेंट है ए एम सी ठीक है ना तीन चीजें मिल गई अब देखो हमने ये साइड ये साइड ली है और दोनों के इंक्लूडेड एंगल्स लिए, लिएग्रेंट टू ए राइट इट अगेन ए सी बी बाय कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल यूज हुआ है एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ठीक है जी क्लियर है यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्केट हो गए लास्ट पार्ट में आते हैं फोर्थ पार्ट में है सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी अब आपको प्रूव करना है कि जो सी एम है ये इस ए बी का हाफ है एबी पे हम बाद में आते हैं एम हमें पता है मिड पॉइंट है सो so, हमें क्वेश्चन में गिवन था एम इज दी मिड पॉइंट ठीक है दैट मीन्स ये जो हमारा MD है ये इक्वल है एम सी के बेसिक्स चीज है, है तो ये इसके इक्वल है पहले भी ये चीज आए अब एक चीज अगर जैसे हमें हाफ वाली चीज समझनी है तो देखो जरा कोई भी अगर आपके पास लाइन है लेट्स ए बी लाइन है और सी इसका मिड पॉइंट है तो हमें पता है सी इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि ये जो ए सी है इस पूरे का हाफ है सेम यहाँ पे ये चीज होगी एम तो हमें चाहिए ही है सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एम सी सी एम लिख लेते हैं इसको इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी मतलब इस पूरी लाइन के हाफ के इक्वल होगा ठीक है ना क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से करें सो so, सी हमने लिख दिया हाफ ऑफ सी डी है लेकिन प्रूफ क्या करना था हाफ ऑफ ए बी है तो इसके लिए भी हमारे पास एक चीज है अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ट्राएंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डीबीसी इसकी बात करें अभी अगर आपको याद होगा लास्ट पार्ट में इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके आए हम ए सी बी और डीबीसी को इन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए सो so, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं सो आई कैन से जी ए बी इक्वल होगा डी सी के बाय सी पी सी टी ठीक है यहां से आ गया अब यहां पे डी सी दी, दी, सी डी डी सी की बात होती है सी डी इक्वल है यहाँ पे सो दैट दीन्स आई कैन से सेक्वल्स टू हाफ ऑफ एग क्लियर है यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था सो so ये था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर एट का ऑल्सो दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन इसके साथ हम एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट इफ देर एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज लिव इट इन दी कमेंट बिलो एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब दी चैनल या प्लीज मेक श्योर टू Subscribe the channel. Now, I'll see you in the next video. Till then, take care and bye.